आयोलाल झूलेलाल। जय झूले, जय झूले। आप सभी को इस कार्यक्रम की लख लख बधाई। मैं सिंधी यूथ सर्किल के अध्यक्ष भरत माकीजा जी, सचिव दीपक जी और उनकी पूरी नौजवान टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने संस्कार और विचार उस नौजवान उम्र में, जब उम्र मौज मस्ती की होती है उस समय समाज के संस्कारों को प्राप्त करते हुए समाज की सेवा करने का संकल्प विचार किया, मानव सेवा का विचार किया। मैं उन सब नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप अभी कुछ देर पहले भारत विभाजन के दृश्य को देख रहे थे और किस तरीके से उस विभाजन के बाद सिंधी समाज के लोग अपना घर छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, धन संपत्ति छोड़कर आए, लेकिन संस्कार छोड़कर नहीं आए। और यही कारण है कि सब कुछ धन संपत्ति संपदा छोड़कर एक पुरुषार्थ के रूप में किस तरीके से पुरुषार्थ उन्होंने किया, किन अभावों, किन कठिनाइयों, किन मुसीबतों के अंदर संघर्ष में, आजादी के बाद उस पीढ़ी ने संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष के अंदर उनका मन का पुरुषार्थ था, उनके जीवन का लक्ष्य और संकल्प था, विश्वास भरोसा था, जिसके आधार पर आज आजादी के 72 साल बाद देश और दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए सिंधी समाज ने अपने पुरुषार्थ के कारण स्थान बनाया है। किस तरीके से छोटे छोटे व्यापार उद्योग और किन अभावों के अंदर, मुझे याद है कि सिंधी समाज का उस समय का नौजवान जब दूर दराज के गांव के अंदर कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, उस समय साइकिल पर अपने सामानों को लेकर बेचता था। जब जंगल हुआ करते थे, लाइटें नहीं थी, पानी नहीं थे, और ये सही बताया नाटक में किस तरीके से घर की महिलाओं ने घर में उद्योग और व्यापार कर पूरा परिवार पुरुषार्थ के आधार पर, सम्मान के आधार पर जिंदगी को जिया है। और आज भी 72 साल बाद भी उसी सम्मान और पुरुषार्थ के साथ धन कमाकर और उस धन को मानव सेवा में लगाने का पुण्य काम ये समाज देश के अंदर कर रहा है। मुझे याद है इसी समाज के संस्कार के कारण भूखे को भोजन कराना हो तो सिंधी समाज ने लंगर लगाने का काम किया, प्यासे को प्यास बुझाना हो तो मुझे याद है सबसे पहले शुरुआत की तो सिंधी समाज ने प्याव लगाकर शुरुआत की। राहगीर दूर दराज के गांव के लोग आते थे, ठहरने का स्थान नहीं हुआ करता था, धर्मशालाएं बनाकर लोगों को ठहरने की व्यवस्था की। चाहे समाज में बीमार व्यक्ति हो, उस बीमार व्यक्ति को निःशुल्क इलाज समाज के धन के द्वारा सभी समाज को लोगों का इलाज कराने का काम किया। ऐसे तमाम सामाजिक क्षेत्र के अंदर मानव सेवा के पुण्य का काम करने का काम
सिंधी समाज ने किया। मैं उन नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो समाज पुरुषार्थी है, लेकिन जो आध्यात्मिक और धर्म के आधार पर, अच्छे संस्कार के आधार पर मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इस संकल्प के साथ काम कर रहा है। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन पीछे भी उनका लक्ष्य एक ही है कि किस तरीके से समाज से हम धन इकट्ठा करें और उस धन से अभाव में रहने वाले लोगों को किस तरीके से उनके अभाव और मुसीबतों को दूर कर सके, इसके लिए मैं सिंधी सोशल युवा उन सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं इसी शुभकामना के साथ मैं नौजवानों से ये अपेक्षा करता हूं कि हमारा समाज एक पुरुषार्थ समाज है, पुरुषार्थ के साथ आत्मविश्वास सम्मान का समाज है। कभी भी इस समाज का कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया में देख लो, हर व्यक्ति काम व्यापार उद्योग प्रतिस्पर्धा के अंदर व्यापार कर लेगा, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता, सब कुछ छोड़ने आने के बाद भी इस समाज ने शरणार्थी के रूप में अपनी जिंदगी को जिया, लेकिन पुरुषार्थ और सम्मान के साथ जिया। और इसीलिए भगवान झूले की कृपा हम पर इसी बनी रहे और इसी तरीके से पुरुषार्थ करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो अभाव में, उसकी जिंदगी को अभाव का दूर करने का संकल्प और इसी तरीके से काम करते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया, और उसके साथ साथ उन्होंने इस नाटक के माध्यम से सिंधी भाषा और पुरुषार्थ का एक संकल्प हमें दिलाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।